राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है और मध्य प्रदेश में अभी यात्रा को रोका गया है क्योंकि राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। दो दिन के गुजरात दौरे के बाद राहुल गांधी 23 तारीख से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा वो भी यात्रा में शामिल होंगे। 23, 24 और 25 के दिन तकरीबन 3 दिनों तक वह यात्रा में शामिल होंगे और उसको काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और उसी को लेकर काफ़ी उत्साह भी कार्यकर्ताओं में है। जगह जगह पर मंच लगाए जा रहे हैं जहाँ से मध्य प्रदेश में जिस जगह से इस यात्रा की शुरुआत हुई और जहाँ पर यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी वहाँ तक पूरे ही जगहों पर कई बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। सभी जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा को कहीं ना कहीं सक्सेस करने के लिए लगातार रात दिन पूरी सेना यहां पर लगी हुई है। उसी के साथ बात करें इंदौर की, तो इंदौर में जिस प्रकार से खालसा स्टेडियम में राहुल गांधी को ठहराने का विरोध यहाँ पर लगातार जोर पकड़ रहा था, लगातार बीजेपी जो है उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पर दबाव बना रही थी, कांग्रेस के ऊपर काफ़ी दबाव था क्योंकि सुरक्षा एजेंसियाँ भी यहाँ पर चाक चौबंद है और चौकन्नी है और उसी को लेकर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अब फिलहाल जो यहाँ पर उनका रुकने का स्थान था उस स्थान को परिवर्तित करते हुए स्थान फिलहाल चिमनबाग मैदान कर दिया गया है, क्योंकि चिमनबाग मैदान पर अब जो है जितनी भी गाड़ियां हैं उनके साथ में काफिले में वो सब गाड़ियां वहां पर रहेगी और उनको वहां पर नाइट में जो है रुकने की अनुमति दी गई है और काफ़ी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। क्योंकि खालसा स्टेडियम में कई प्रकार की विवाद की सूचनाएं आ रही थी, कल कई प्रकार के विवाद वहां पर उत्पन्न हो रहे थे, उसी को लेकर जो राहुल गांधी की सुरक्षा है उसी को देखते हुए अब जो है स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह जो यात्रा है इंदौर में प्रवेश करने के बाद जब विश्राम करेगी तो विश्राम के समय यहाँ चिमनबाग मैदान पर उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और इसी के बाद फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू होगी। एक दिन का गैप इंदौर में रहेगा, तकरीबन 29 तारीख को यह यात्रा इंदौर में रहेगी, 30 तारीख को सुबह 6 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो बड़े गणपति से शुरू होगी और उसके बाद यह यात्रा अपने अगले पड़ाव पर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर जैसे शहर में यह यात्रा को एक दिन रोकना यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और कांग्रेस को इन सभी चीज़ को लेकर कांग्रेस लगातार जो है इन पूरी यात्राओं की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रही है और यात्रा सक्सेस करने के लिए सभी जितने भी उनके सिपाही हैं वो लगातार इस पूरी यात्रा को सक्सेस करने में लगे हुए हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज़, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।